नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से अब आपको बता दें, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गया है, बड़ा फैसला लिया है। अब वैक्सीन नहीं लगवाने वाले बच्चों की स्कूलों में नो एंट्री होगी। 12 से 18 साल के बच्चों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन अब कोरोना को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गया है। तो अब ये एक्शन लिया गया है कि 12 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। तो इस तरीके से कि ये सख्त फैसला जो है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया है। इसमें 12 से 18 साल के बच्चों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की बात है। अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपके बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ते हैं तो उनको आप तुरंत वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरीके का आदेश चंडीगढ़ से आया है। अनिल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल, ये फैसला जो लिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन का, इसके अलावा क्या कुछ और इसकी बारीकियां हैं, थोड़ा आप बताएं। चलिए संपर्क हम करने का प्रयास करेंगे, तो एक बार फिर से हम जुड़ने का जरूर प्रयास करेंगे, अनिल से हम बात जरूर करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ की बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है, 12 से 18 साल के बच्चों की एंट्री पर प्रतिबंध होगा अगर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। तो वैक्सीन नहीं लगवाने वाले बच्चों को स्कूलों में नो एंट्री।